हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट टू फॉर द फेब्रुअरी मंथ। अगर आपने पार्ट वन इसका नहीं देखा है तो यहाँ पे आई का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपका लिंक खुल जाएगा फॉर द पार्ट वन। एल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी पार्ट वन देख सकते हैं, मैंने इसका लिंक आपको दिया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर वन इज हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ IBBI, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रवि मित्तल। क्वेश्चन नंबर टू इज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च एन इंटेलिजेंस सैटेलाइट नेमली NROL-87 फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल रेकोनेंस ऑफिस, दैट इज NRO। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर थ्री इज द फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन यार्ड 11879 कमेंस्ड इट्स सी ट्रायल्स ऑन 1 फरवरी 2022। इट विल बी नेम्ड डैश आफ्टर इट इज कमीशन्ड इनटू द सर्विस। सो इट्स नेम इज INS वजीर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर इज परम परवेग्या वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द इंडिया हैज बीन इंस्टॉल्ड एंड कमीशन एट डैश। सो ये कमीशन कराया गया है IISc बेंगलुरु में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव इज हु वॉन द टाइटल ऑफ द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैग्नस कार्लसन। एंड जो ये टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट है, इंटरनेशनली इसको बोला जाता है विंबलडन ऑफ चेस। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज टाटा स्काई हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ एज डैश टू एक्सपैंड इट्स टेलीविजन कम OTT, दैट इज ओवर द टॉप ऑफरिंग्स इन कंबाइंड पैकेजेस। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इसका नाम हो गया है टाटा प्ले। क्वेश्चन नंबर सेवन इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च सैमसंग रिप्लेस्ड डैश एंड एक्वायर फर्स्ट पोजिशन इन द वर्ल्ड टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी इन 2021। सो सैमसंग ने रिप्लेस किया है इंटेल को। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स आर इंक्लूडेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी टू द 2028 समर ओलंपिक गेम्स दैट विल बी ऑर्गेनाइज इन द लॉस एंजलिस। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये सारे ही जो आपके गेम्स हैं ये इंक्लूड किए जाएंगे 2028 के समर ओलंपिक गेम्स में। सो हेयर आंसर इज ऑल ए बी एंड सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओडिशा ओपन 2022। सो फर्स्ट वी विल गो थ्रू द स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है उन्नति हुड्डा वॉन द बैडमिंटन वुमेन सिंगल टाइटल एट द ओडिशा ओपन 2022। सेकेंड इज इंडिया किरण जॉर्ज हैज वॉन द मेन्स सिंगल एट द ओडिशा ओपन 2022। थर्ड इज उन्नति हुड्डा बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू विन अ BWF, दैट इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 100 टूर्नामेंट। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इज क्रिस्टल स्टासे टाकीस रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ही इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ही वॉज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज वर्ल्ड कैंसर डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 4th ऑफ फेब्रुअरी। एंड 2022 से जो 2024 का कैंपेन है इसकी जो थीम है दैट इज क्लोज द केयर गैप। एंड अगर हम पर्टिकुलरली 2022 की बात करें तो इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप रियलाइजिंग द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विद द एथर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनीज टू सेटअप 100,000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये लगाए जाएंगे आपके कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 13 इज राहुल गांधी लॉन्च अ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर लैंडलेस लेबरर्स ऑफ रूरल एरिया ऑफ डैश स्टेट। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉर द छत्तीसगढ़ स्टेट। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एक और स्कीम लॉन्च की गई है, दैट इज राजीव युवा मितन क्लब स्कीम, जिसके आधार पे क्या होगा फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी फॉर द 25,000 टू इट्स बेनिफिशरीज। क्वेश्चन नंबर 14 इज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो इट इज ऑब्जर्व ऑन द अगेन 4th ऑफ फेब्रुअरी।
सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। साथ में ही जो हार्मनी वीक है 2022 का, दैट इज वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, ये सेलिब्रेट किया गया था 1 to 7 February 2022। सो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रसाद स्कीम। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज द पुनौरा धाम हैज बीन इंक्लूडेड अंडर द प्रसाद स्कीम। ठीक है, प्रसाद स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिमेज रिजुनिवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड क्या कह रहा है स्टेटमेंट? प्रसाद स्कीम वॉज लॉन्च इन 2015-2016 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड इज पुनौरा धाम लोकेटेड इन पुनौरा विलेज, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ गॉडेस सीता। सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओनली 1 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन जो स्टेटमेंट नंबर 2 है उसमें क्या करेक्शन है, दैट इज कि जो ये स्कीम है प्रसाद स्कीम, ये 2014-15 में लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टेटेड इंडियाज मेडन प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू अ नेचुरल गैस सिस्टम एट द इंदौर मध्य प्रदेश। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एट द गेल। क्वेश्चन नंबर 17 इज डैश एंड पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड, दैट इज PAL, हैव लॉन्च 2 को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स इन द पार्टनरशिप विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विद द पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 18 इज रिसेंटली आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ द विच कॉर्पोरेटिव बैंक एंड सीज टू कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेसेस विद द इफेक्ट फ्रॉम 3rd February 2022, as the bank does not have an adequate capital and earning prospects to pay its present depositors in full. So here answer is option number C, iska naam hai Independence Cooperative Bank Limited. Question number 19 is name the insurance company that partnered with policybazaar.com for digital distribution of life insurance products and boost financial inclusion across the India. So here answer is Life Insurance Corporation of India. So option number B is the correct answer. Question number 20 is which company signed MOU with Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society to support the growth of women entrepreneurs in the state? So here answer is option number C, that is Amazon India. Now question number 21 is Dash Railway signed agreement with the Hindustan Engineering and Industries Limited to procure 420 boat gauge wagons from the India. So here answer is option number D, that is Bangladesh. Question number 22 is as per the India Press Freedom Report 2021 released by Rights and Risk Analysis Group, which state/UT topped the list of most attacks on journalists in 2021? So 2021 mein journalist pe sabse zyada attack kahan pe hue hain? So here answer is option number A, that is Jammu and Kashmir. Question number 26 is the ancient festival of Kanchot is annually celebrated on which of the following states/UTs? So it is celebrated on the Jammu and Kashmir. So option number D is the correct answer. Question number 24 is PM Narendra Modi unveils the Statue of Equality at Dash and it is the world's dash tallest statue in the sitting posture. So here answer is option number B, that is Hyderabad, and ye second tallest statue hai in the sitting posture. Aur ye jo Statue of Equality hai, ye aapka statue hai Ramanujacharya jo the unka statue banaya gaya hai, and it is 216 foot tall statue. Question number 25 is which general insurance company partnered with Airtel Payment Bank to offer insurance solution against cyber crimes? Here answer is option number E, that is ICICI Lombard General Insurance Company. Question number 26 is which Bollywood actress is appointed as a new brand ambassador of Bata India? So here answer is option number C, that is Disha Pitani. Question number 27 is Bollywood actor Akshay Kumar appointed as a brand ambassador of which of the following states/UTs? So here answer is option number D, that is for the Uttarakhand. Question number 28 is legendary Indian singer Lata Mangeshkar passed away at the age of 92. She was honored with the Bharat Ratna in the year dash. So she was honored with the Bharat Ratna in the 2001. So option number E is the correct answer.
Question number 29 is International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation is annually observed across the globe on. So her answer is option number C, that is on 6th of February, and its theme was accelerating investment to end female genital mutilation. So here, so question number 30 is which state government signed MOU with Social Alpha Energy Lab to develop clean energy technology in the state? So her answer is option number A, that is the government of Kerala. Question number 31 is which of the following statement is are correct with respect to the Mumbai Ahmedabad high speed rail corridor? So first we will go through the statement. Statement number 1 is Surat will be the first station to be constructed between Mumbai Ahmedabad high speed rail corridor. Second is India's first bullet train will operate between Surat and Bilimora in 2025. Third is National High Speed Rail Corporation Limited is the implementing agency of the project. So here answer is option number D, that is only first and third is correct. Second wale mein kya correction hai, that is ye jo operate kar payenge hum Surat aur Bilimora se bullet train, ye hoga aapka 2023 mein. Now question number 32 is which organization inks pact with Center for Development of Advanced Computing CDAC to collaborate with cyber security and allied sectors? So here answer is option number B, that is SIDBI. SIDBI ka full form hota hai Small Industrial Development Bank of India. Now question number 33, name the organization that launched convenience stores under the brand name Happy Shop. So here answer is option number D, that is HPCL, Hindustan Petroleum Corporation Limited. Question number 34 is which bank recently in February awarded with the Digital Transformation Award, that is DX 2021 Awards by the Confederation of Indian Industry for the best practices in digital transformation? So here answer is option number C, that is Karnataka Bank. Now question number 35 is as per recommendation by the Public Enterprises Selection Board, B.K. Tyagi will be the next CMD of Shipping Corporation of India. Now who is the present CMD of Shipping Corporation of India? So here answer is H.K. Joshi. So option number A is the correct answer. Question number 36 is Google recently in February introduced new Chromebook devices for dash sector. So it is launched for the education sector. So option number E is the correct answer. Now question number 37 is NASA plans to deorbit International Space Station into Pacific Ocean by dash. So here answer is option number A, that is by January 2031. और जो आपका International Space Station है, ये launch किया गया था on 20 November 1998 को. Question number 38 is Ibrahim Nabi Sahib Sutra, our social worker fondly referred as a Kabir of Karnataka, passed away. He was honored with the Padma Shri in the year dash for art. So 2018 mein inko ye Padma Shri diya gaya tha for the art. So here answer is option number B. Question number 39 is dash was appointed as a new chairperson of the University Grants Commission and for dash years. So here answer is option number D, that is Jagdish Kumar ko appoint kiya gaya hai as a new chairperson and for the 5 years. Question number 40 is, and this is the last question of our session, the Global Digital Skills Index 2022 was released by dash and India scored dash out of 100 countries. So here answer is ye index jo hai wo release kiya jata hai by the Salesforce and India ki jo score hai, that is 63. So I hope guys aapko ye lecture mera pasand aaya. अगर आपके कुछ सजेशन है सो प्लीज डू मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com एंड अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.